हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्ट क्लास। आज हम अपनी वॉल्स को डेकोरेट करने के लिए बहुत ही सुंदर सा हैंगिंग बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने MDF बोर्ड्स का यूज़ किया है। उसे मैंने एक एरो की शेप में कट कर लिया। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एक्रेलिक कलर्स, और ये हमारे नियॉन पेंट्स हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ एक्रेलिक में, और ये हमारा पिंक शेड होगा। आप अपनी चॉइस के कलर्स का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो भी कलर आप इस पर अप्लाई करना चाहें। चॉक पेंट भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जब भी आप MDF पे या किसी भी वुडन पीस पर काम करते हैं। तो फटाफट से मैं अलग अलग कलर्स का यूज़ करके, अलग अलग शेड्स का यूज़ करके, तीनों के तीनों जो हमारे MDF के बोर्ड्स हैं उन्हें पेंट कर लेती हूँ, ताकि हमारे पास बेस रेडी हो जाए। और इसमें जो अभी यूज़ किया है वो हमारे पास पर्पल शेड है। इसके बाद मैं ग्रीन कलर का यूज़ करूँगी, जो पैरेट ग्रीन होगा नियॉन शेड में ही। तो तीनों ही हमारे नियॉन शेड हैं। और कॉर्नर्स पे मैं थोड़ा थोड़ा सा ब्लैक कलर अप्लाई करूँगी, ताकि जो कॉर्नर्स हैं वो हमारे थोड़ी सी यहाँ पर शेडिंग से बने। तो इस तरह से आप कोई भी कलर ले सकते हैं। आप चाहे तो एक वुडन पीस पर दो तरह के डिफरेंट कलर्स अप्लाई कर सकते हैं, लाइक लाइट और डार्क शेड। जैसे मैं ग्रीन कर रही हूँ, तो आप इसके साथ डार्क ग्रीन से कॉर्नर्स कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से बनाना चाहते हैं, कितनी क्रिएटिविटी इसमें ऐड करना चाहते हैं। तीनों पीसेज रेडी हो गए हैं, और ये मेरे पास कुछ वुडन कटआउट्स हैं जो मैंने hobby.india से ऑर्डर किए थे। इनसे आप कोई भी टेक्स्ट जो है वो मंगवा सकते हैं, कोई भी नाम हो, कुछ भी हो। मैंने यहाँ पर लिव, लाफ और लव की कटिंग्स उनसे मंगवाई थी। ये आपको अप्रॉक्सीमेट 75 rupees का एक कटआउट पड़ जाता है, तो आप उनसे मंगवा सकते हैं। और इसी तरह से मैंने इसमें भी डिफरेंट कलर्स अप्लाई किए हैं। आप चाहें तो वाइट और ब्लैक कलर का यूज़ करके इन्हें सिंगल शेड भी दे सकते हैं। लाइक अगर आपको पूरे ही वाइट कलर पेंट करना है इसे, जितना भी आपने टेक्स्ट लिया है, तो वाइट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ब्लैक कर सकते हैं। बट मैं जो हमारा वॉल हैंगिंग है उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर से सजाने वाली हूँ। तो जिस तरह से इस वॉल हैंगिंग की थीम है लिव, लाफ एंड लव, उसी तरह से हम अपनी सारी जो चीज़ें हैं उन्हें भी कलरफुल बनाएंगे। एरोस को मैं ब्लैक कलर कर रही हूँ यहाँ। इसके बाद हम लोग एक्रेलिक मार्कर्स का यूज़ करेंगे इसमें कुछ डिटेल्स देने के लिए, और लास्ट में बहुत ही प्यारा सा हमारा आउटकम होगा, जिससे कि इतना ज़्यादा हम लोग प्यारा सा वॉल हैंगिंग बना के रेडी करेंगे, जो आपकी वॉल्स के लिए, अगर आप कुछ अपने घर पर सेल्फी कॉर्नर बना रहे हैं, बालकनी डेकोरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। चलिए फटाफट से पेंट कर लेते हैं, और जब तक मैं पेंट कर रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन फॉर नोटिफिकेशन। अब ये मेरे पास एक चॉक पेंट का बॉक्स है जो ख़त्म हो चुका है, तो इसको हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। और इसको मैं ऑरेंज कलर से पेंट कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वॉल हैंगिंग को हम बहुत ज़्यादा कलरफुल बनाएंगे, और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हम इसमें यूज़ करेंगे। तो इसको ऑरेंज कर लेते हैं। इसी तरह से आपके पास काफ़ी सारी बॉटल्स जो कलर्स की हैं वो खाली बच जाती हैं, जिन्हें हम फेंक देते हैं, पर हम उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं नए नए क्रिएटिव वे में, तो वो भी मैं आपको बताती रहूँगी। और आज हम इसी बॉटल को यूज़ करेंगे। ये हमारे सारे पीसेस बन के रेडी हो गए हैं। ये देखिए, तीनों कटआउट्स, तीनों बेस, और ये हमारी छोटी सी बॉटल। बॉटल को थोड़ा सा हम यहाँ पर सजाएंगे। ये एक्रेलिक मार्कर्स हैं, आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं, और बहुत इजी होता है इन्हें यूज़ करना। आपका समय भी बहुत बचता है, और आप किसी भी तरह की डिज़ाइनिंग इन पेन से कर सकते हैं। ये देखिए, ये वाइट कलर में है, आपको गोल्डन वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, या आप किसी भी शेड में से परचेज कर सकते हैं। हम बहुत सिंपल सा ही इसके ऊपर ड्राइंग कर रहे हैं, और जो मैंने एरोज़ आपको दिखाए थे उनके ऊपर भी मैं थोड़ा थोड़ा सा डिटेलिंग कर रही हूँ, ताकि वो अच्छे से हाईलाइट हो जाए। जो हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिया था उस पर भी मैं थोड़ी सी स्ट्रिप्स बना देती हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बट ये बहुत सुंदर रिज़ल्ट देता है हमें। ये देखिए इस तरह से। अब मैं ग्लूगन की हेल्प से सारे जो टेक्स्ट हमने लिए थे वो अपने बेसिस पर पेस्ट कर दूंगी। अगर आपके पास ग्लूगन नहीं है तो आप नॉर्मल फेविकॉल का यूज़ कर सकते हैं, और अपनी जो भी टेक्स्ट है, क्योंकि वुड है, वुड पर पेस्ट करने के लिए आप फेविकॉल का यूज़ ईजिली कर सकते हैं। तो फटाफट से इन्हें अपनी अपनी जगह पर लगा लेते हैं। ये मेरे पास कुछ फ्लावर्स थे, सनफ्लावर्स की शेप में है ये,
और इन्हें भी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो ड्राइंग से भी इन्हें बना सकते हैं कलर्स के यूज़ से। सेम एक्रेलिक मार्कर्स का यूज़ करके मैं थोड़ा सा और जो बैकग्राउंड है उसको हाईलाइट कर रही हूँ। या आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का यूज़ कर सकते हैं, लाइक हार्ट है, सर्कल्स हैं। गोल्डन कलर भी बहुत प्यारा लगता है इन मार्कर्स में, तो आप इन्हें ले सकते हैं अपने आर्ट वर्क्स के लिए। अलग अलग डिज़ाइंस को आप बनाइए और इसको बहुत ही सुंदर तरीके से आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से सजाइए, तो और अपने घर को, अपनी वॉल्स को, अपनी बालकनी को सुंदर बनाने के लिए आप घर पर रखी हुई वेस्ट चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, बीच में मैंने आर्टिफिशियल लीव्स ली हैं और ये मेरे पास जूट का थ्रेड है, जो मैक्रेम थ्रेड भी होते हैं, आप उनका यूज़ भी कर सकते हैं। और इस तरह का वॉल हैंगिंग आप अपनी वॉल्स के लिए घर पर इजीली बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह के ऑल वॉल हैंगिंग्स आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं, या और भी किसी भी तरह का अगर आर्टवर्क या कोई हैम्पर पैकिंग आप अगर मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो मुझे इस कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।